हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 की अमेरिकन कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म आर यू देयर गॉड इट्स मी मार्गरेट। सुनने पर आपको फिल्म का नाम थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस फिल्म के लिए इससे बेहतर टाइटल कुछ भी और नहीं हो सकता है, क्योंकि फिल्म में एक 11 साल की लड़की की कहानी दिखाई गई है जो तेजी से टीनेज की तरफ बढ़ रही है। उम्र के पड़ाव में उसके दिमाग में हर वक्त ढेरों सवाल घूमते रहते हैं। उसके पास कई ऐसी बातें हैं जो वो किसी से नहीं कर पाती, ना तो अपने माँ बाप से और ना ही दोस्तों के साथ। ऐसे में उसको सिर्फ गॉड की याद आती है जो कदम कदम पर खुद ब खुद उसको रास्ता दिखा देते हैं, और अंत में मार्गरेट के होठों की मुस्कान के साथ इस फिल्म का अंत भी हो जाता है। तो चलिए अंत की बात करने से पहले हम आपको इस फिल्म की पूरी यात्रा करवा देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि इस फिल्म का प्लॉट 1970 के वक्त का बुना गया है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि 11 साल की मार्गरेट साइमन न्यूयॉर्क शहर में अपने माँ बाप बारबरा, हर्ब और दादी सिल्विया के साथ रहती थी। इन लोगों का छोटा सा परिवार इस जगह पर बहुत खुश था, लेकिन तभी स्कूल की ट्रिप से लौटकर आने के बाद मार्गरेट को उसके पापा के प्रमोशन के बारे में पता चलता है, और साथ ही में उसको ये भी बताया जाता है कि अब उन लोगों को न्यूयॉर्क छोड़कर न्यू जर्सी में रहने के लिए जाना होगा। लेकिन इस खबर को सुनते ही मार्गरेट का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही न्यूयॉर्क में रहती थी और यहाँ पर उसके सारे दोस्त भी थे। इसके अलावा वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के बार बार समझाने पर बुझे मन के साथ आखिर में उसको नई जगह पर जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसी सीन में पहली बार इसको ऊपर वाले से कुछ मांगते हुए दिखाया गया है कि वो कुछ तो ऐसा कमाल कर दे जिससे उसको न्यूयॉर्क शहर को छोड़कर ना जाना पड़े। लेकिन अब सब कुछ डिसाइडेड हो चुका था, इसलिए मार्गरेट अपनी दादी को छोड़कर मम्मी पापा के साथ न्यू जर्सी के लिए निकल जाती है, और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। वैसे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताना जरूरी है कि सिल्विया अपनी पोती मार्गरेट को तो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसकी अपनी बहू बारबरा के साथ कुछ खास नहीं बनती थी। उसका सबसे मेन कारण था बारबरा का ईसाई होना, क्योंकि सिल्विया खुद यहूदी थी और उसके बेटे हर्ब और बारबरा ने सबकी मर्जी के विरुद्ध जाकर लव मैरिज की थी। अब न्यू जर्सी पहुँचने के बाद मार्गरेट की उसके पड़ोस में रहने वाली अपनी ही उम्र लड़की नैन्सी व्हीलर से दोस्ती हो जाती है। नैन्सी ना सिर्फ मार्गरेट की पड़ोसी थी बल्कि उसी के स्कूल और क्लास में भी पढ़ती थी। वो मार्गरेट को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। इस ग्रुप में दो और लड़कियां ग्रेचन पॉटर और जेनी लोमेस शामिल थी, यानी कि अब इस ग्रुप में टोटल चार लड़कियां हो गई थी। इस तरह से कहा जा सकता था कि उन सबकी लीडर नैन्सी ही थी, और नैन्सी को जल्दी से जल्दी यंग दिखना था, और अपने सर का भूत वो बाकी की लड़कियों के ऊपर भी डाल देती है, जिसमें सीधी सादी मार्गरेट भी शामिल थी। देखने में ये सब बचकाना और बकवास लग सकता है, लेकिन फिल्म के इन हिस्सों में भी बिना किसी लेक्चर के ही टीनेज की तरफ जाती हुई लड़कियों की सोच को दिखाया गया है। उधर स्कूल में मार्गरेट के टीचर मिस्टर बेनेडिक्ट क्लास में सभी को एक रिसर्च वर्क का असाइनमेंट देते हैं, और वो इस बारे में मार्गरेट से भी बात करते हैं, लेकिन यहीं पर मार्गरेट उनको बताती है कि रिलीजियन से रिलेटेड किसी भी तरह के हॉलीडेज उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसको तो किसी भी रिलीजियन से कोई मतलब ही नहीं था, और इसका कारण था कि उसकी माँ ईसाई थी और पिता यहूदी, इसलिए उसका परिवार इस तरह की छुट्टियों को सेलिब्रेट नहीं करता था। अब मार्गरेट के किस रीजनल को फॉलो करना था इस बात का फैसला उसके ऊपर ही छोड़ दिया गया था, यानी कि बड़ी होने पर वो अपना रिलीजन अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकती है। अब अपने स्कूल असाइनमेंट के लिए मार्गरेट अपनी माँ से पूछती है कि वो कभी अपने नाना नानी से क्यों नहीं मिली, तो बारबरा उससे कहती है कि हर्ब से शादी करने के कारण उसको उसके पेरेंट्स पॉल और मैरी ने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, क्योंकि हर्ब यहूदी था और उनको अपनी बेटी के लिए यहूदी पति किसी भी हाल में मंजूर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वीकेंड पर मार्गरेट अपनी दादी सिल्विया के पास समय बिताने के लिए न्यूयॉर्क जाती है। सिल्विया को भी बेसब्री से मार्गरेट के आने का इंतजार रहता है, लेकिन जब मार्गरेट अपनी दादी के साथ मंदिर चलने की बात करती है तब वो खुशी के मारे सिल्विया के पैर जमीन पर नहीं पड़ते, क्योंकि वो हर हाल में मार्गरेट को यहूदी रीति रिवाज सिखाना चाहती थी। मंदिर ले जाने के लिए कहती है, जिसे सिल्विया खुशी से हाँ कर देती है। इस बीच मार्गरेट की माँ बारबरा भी नई जगह और नए लोगों के बीच घुलने मिलने में लगी हुई थी। क्योंकि हब की सैलरी बढ़ जाने के कारण अब उसको काम करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो पीटीए के जरिए कई तरह की एक्टिविटीज से जुड़ने की कोशिश करती है। अब इस तरह के कामों से जुड़ने का नतीजा ये होता है कि उसके पास अपने शौक को यानी कि पेंटिंग और दूसरी कलाओं को पूरा करने का वक्त ही नहीं होता। उधर मार्गरेट के साथ भी काफी हद तक वैसा ही हो रहा था। अपनी नई फ्रेंड्स को कॉपी करने के चक्कर में वो खुद को ही खोती चली जा रही थी। मार्गरेट और उसकी फ्रेंड्स टीनेज में पहुंचने की तैयारियों में लगी हुई थी, जैसे ब्रा पहनने की आदत डालना, अपनी पहली किस की प्रैक्टिस करना। अपने क्लासमेट नॉर्मन फिशर की बर्थडे पार्टी में बोतल घुमाने वाला गेम खेलते हुए मार्गरेट अपने ही एक दूसरे क्लासमेट और क्लास के सबसे हॉट बॉय फिलिप लेरॉय के साथ अपना पहला किस भी इंजॉय करती है।
हालांकि उसको कुछ झिझक तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। वो जेनी और नैन्सी के साथ चर्च भी जाती है। स्कूल में पीरियड्स के बारे में एक वीडियो दिखाए जाने के बाद अब सारी लड़कियों के बीच पीरियड्स का होना उनका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। चारों लड़कियां काफी एक्साइटेड होकर अपने पीरियड्स के शुरू होने का इंतजार करने लगती है। यहाँ तक कि मार्गरेट भी ग्रेचन और नैन्सी के पीरियड्स के उससे पहले स्टार्ट होने के बाद काफी इम्पेशेंट होने लगती है। यहाँ तक कि वो और जेनी आने वाले दिनों के लिए खुद को रेडी करने के लिए शॉप से सैनिटरी पैड भी खरीद लेते हैं और मार्गरेट उसको यूज करने में भी कंफर्टेबल हो जाती है। मार्गरेट इतनी सीधी सी थी कि वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि नैन्सी ने अपने पीरियड शुरू हो जाने की बात को लेकर उससे झूठ कहा था। यहाँ तक कि उनके क्लास की सबसे लंबी लड़की लॉरा को लेकर भी नैन्सी ने अपनी दोस्तों के कान भर दिए थे। पर एक दिन जब लाइब्रेरी में मार्गरेट बैठकर अपना काम कर रही थी तो लॉरा भी उसके सामने बैठी हुई थी। यहीं पर वो लॉरा को काफी कुछ उल्टा सीधा सुनाने लगती है। लॉरा से नैन्सी की जलन का कारण ये था कि वो हर तरह से मैच्योर दिखती थी और नैन्सी उसी की तरह लगने के लिए दिन रात कोशिश कर रही थी, जबकि लॉरा को इस बात पर कभी कभी शर्मिंदगी होने लगती थी क्योंकि क्लास में सबसे लंबी होने के कारण कोई भी उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करता था। लेकिन लाइब्रेरी में लॉरा से बात करने, उसको सुनने और करीब से जानने के बाद मार्गरेट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गॉड से अपनी सोच के लिए माफी मांगने लगती है। इसके बाद विंटर ब्रेक के लिए मार्गरेट अपनी दादी सिल्विया के साथ फ्लोरिडा जाना चाहती थी। सारी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक से बारबरा के पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है कि वो लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे। इतने सालों के बाद बारबरा अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर इमोशनल होने लगी थी लेकिन साथ ही में काफी घबरा भी गई थी। उधर हर्ब का हाल भी ठीक उसके जैसा ही था, जबकि मार्गरेट को उनके आने की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तो अपनी नाना नानी से कभी मिली ही नहीं थी, इसलिए उसके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स कैसे हो सकती है। और फिर उनके कारण उसका फ्लोरिडा का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया था। लेकिन जब सिल्विया को इन सारी बातों का पता चलता है तो वो काफी तिलमिला जाती है। उधर बारबरा के पेरेंट्स अपने बताए हुए दिन पर पहुंच जाते हैं। वो हर्ब से भी काफी अच्छे से मिलते हैं और मार्गरेट को प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बारबरा और हर्ब को सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। और इस पूरी सिचुएशन में आग में घी डालने का काम करती है सिल्विया, जो जानबूझकर अपने एक दोस्त के साथ वहां पर आ जाती है और इसके बाद ही शुरू होती है ईसाई और यहूदी के बीच की असली जंग। रात के खाने के बाद जब पॉल और मैरी ने मार्गरेट से संडे स्कूल में जाने के बारे में सवाल किया तो सिल्विया ने जवाब दिया कि मार्गरेट उसके साथ मंदिर गई थी और उसने पहले ही यहूदी बनने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर बारबरा और हर भी सिल्विया के ऊपर नाराज होने लगे क्योंकि उन्होंने तो अपनी बेटी को शुरू से ही इन धर्म कर्म की बातों से दूर रखा था। उधर मार्गरेट के नाना नानी मार्गरेट को ईसाई धर्म की तरफ मोड़ने की पैरवी कर रहे थे। धर्म के नाम पर घर के बड़ों को झगड़ते देख मार्गरेट उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है और साथ ही में ये भी अनाउंस कर देती है कि धर्म सिर्फ लोगों के बीच झगड़ा करवाने के लिए, इसलिए वो किसी भी धर्म या भगवान में विश्वास नहीं रखती। इसके बाद मार्गरेट अपना रिसर्च वर्क मिस्टर बेनेडिक्ट को दे देती है जिसमें वो अपने मन की बात उनको भी बता देती है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। स्कूल ईयर के एंड में मार्गरेट मिस्टर बेनेडिक्ट को एक अच्छा टीचर बताते हुए उनको थैंक्स करती है और लॉरा की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है और फिर दोनों साथ में डांस करने लगती है। इसके बाद जेनी भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती। बारबरा भी इधर उधर के कामों को छोड़कर अपने शौक को पूरा करने के लिए टाइम देने में लग गई थी। समर कैंप के लिए निकलने से पहले मार्गरेट नैन्सी के बड़े भाई इवान के दोस्त मूस फ्रीड से बात करती है, जो पड़ोस का एक लड़का है और घर के लॉन में घास काटता है। मूस को मार्गरेट पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी लेकिन फिर नैन्सी का साथ पाकर और बातों के प्रभाव में आकर अपनी सोच को ताला लगा दिया था, इसलिए अब उसकी परछाई से निकलने के बाद मार्गरेट मूस से बात करती है और कैंप से वापस लौटने के बाद दोनों एक साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उसको पहली बार अपने पीरियड्स के शुरू हो जाने के बारे में पता चलता है। इस बात को लेकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और एक बार फिर से मार्गरेट का गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।